चिल्ली। आए अम्मी जान। ये ले पैसे, दुकान से जाकर घी लिया। घी? हाँ हाँ घी, आज मेरा पूड़िया खाने को बहुत मन कर लिया है। अम्मी जान फिर तो मैं भी पूड़िया खाऊंगा। खिलाओगी ना मुझे पूड़िया? क्यों अम्मी जान? अरे कमबख्त, पहले दुकान से घी तो लिया। हाँ हाँ अम्मी जान, मैं नू गया और नू आया। लो सेठ जी, हमें 8 आने का घी दे दो। अरे बिल्कुल मियाँ, अभी लो। पर मियाँ घी ले जाओगे किसमें? ये तो अम्मी ने बताया नहीं। अगर मैं सुई की तरह घी ले गया तो फिर अम्मी मारेंगी, अब क्या करूं? हाँ ये ठीक रहेगा, घी को मैं अपनी टोपी में रख कर ले जाऊंगा। लाओ सेठ जी लाओ, घी लाओ, मैं ले जाऊंगा। ले जाने का फिक्र मत करो, मेरे पास है इंतजाम। लो जी लो। हाँ ये ठीक रहा ना, आज तो पूड़ियाँ बनेंगी, हम पूड़ियाँ खाएंगे, अम्मी जान पूड़ियाँ बनाएंगे हमारी, मजे आ जाएंगे आज तो हमारे। आज तो धूप बहुत पड़ रही है, बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है आज तो। लो अम्मी जान घी ले आया। बेटा ला ला, कहाँ है घी, कहीं रास्ते में तो नहीं गिराया? नहीं अम्मी जान, अब मैं बहुत चालाक हो गया हूँ। ये घी कहाँ चला गया, मैंने तो अम्मी जान यही टोपी में ही रखा था। अरे नालायक, घी जैसी चीज भी टोपी में रखने की होती है क्या? नास पीटे, तुझे कभी अकल आएगी या नहीं आएगी? सारा दिन नुकसान ही करता रहता है। अम्मी जान इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो जैसे सुई खो गई थी, मैंने कहा अम्मी नाराज हो जाएंगी, मैंने तो इसलिए ये टोपी में रख लिया था। अम्मी अब मेरी क्या गलती है इसमें? तू कभी नहीं सुधर सकता, दूर हो जा मेरी नजरों से। लो जी लो, दूर हो जाते।